दोबारा फिर मैं बता दूं, ओम नमो जल बांधु जल भाई बांधु बांधु कुआ कपाही, 900 गांव के वीर बुलाऊ बांधु के बांधे तेल कढ़ाई, जति हनुमान जी के दुहाई सत्य साचा पिंड का चतुर मंत्रेश्वर वाचा सत्य नामावेश गुरु का। ये मंत्र है, इसको आप 1000 बार या इससे अधिक आप जप लीजिए, अब मंत्र सिद्ध हो गया आपका। अब जब आपको कढ़ाई बांधनी है तो आपको क्या करना है, किसी रास्ते से छोटी छोटी कंकड़ी लीजिए, उठा लीजिए और मंत्र को 7 बार, ये कंकड़ी आपको 7 कंकड़ लेने हैं, 7 कंकड़ लेने हैं और एक कंकड़ और 7 कंकड़ों पर 7 बार मंत्र, एक बार मंत्र जपोगे फूक मारोगे, दूसरा जपोगे फूक मारोगे, यानी 7 बार मंत्र जप कर फूक मार कर कढ़ाई में डाल दीजिए जिसमें तेल हो, बस वो कढ़ाई बनेगी। अब पूरी कचौड़ी कुछ भी सेके उसकी अग्नि स्तंभन हो जाएगी, जो तेल स्तंभन हो जाएगा उसका, और आप कुछ भी करते रहिए। एक बार फिर पीताम्बर परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से अपने परिवार सहित कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। वैसे तो ये वीडियो किसी काम के, मैं बता रहा हूँ यहाँ, ये वीडियो किसी काम का नहीं है, लेकिन उन लोगों के काम का है कि जो इस चक्कर में घूमते हैं, कढ़ाई बढ़ाई के चक्कर में घूमते हैं, उनके काम का है। तो मैं इसकी वीडियो में कढ़ाई बांधने की साधना बताऊंगा कि साधक कढ़ाई कैसे बांधते हैं। अच्छा, इससे पहले कुछ दो बातें बताना चाहूँगा। आजकल मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से इतना अधिक क्रेज हो गया है कि मेरे पास भी फ़ोन आते हैं और मैंने और भी देखे हैं लोगों के, कि लोग कहते हैं कि कोई कढ़ाई बांध दे तो हम ऊपर से लोटों की बारिश कर देंगे। ये सनातन बिल्कुल गलत है, ऐसा कदाचित नहीं होता है। फिर भी मैं ये मंत्र जो आप लोगों के लिए बताई दे रहा हूँ और इसकी विधि क्या है ये भी बताऊंगा पूरी तरह से। पहले आप कढ़ाई बांधने के इस मंत्र को सुन लीजिए और आप चाहो तो कुछ सिद्ध कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक रात में सिद्ध हो जाता है। मंत्र बताता हूँ आपको, ओम नमो जल बांधू जल वाई बांधू बांधू कुआ वाई, 900 गांव का वीर बुलाऊ बांधू तेल कढ़ाई, जति हनुमान जी दुहाई सत्य साचा पिंड कांचा पूर्व मंत्री सर्वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। ये मंत्र है, दोबारा फिर एक बार सुन लीजिए, ओम नमो जल बांधु जलवाई बांधु बांधु कुआ वाई, 900 गांव का वीर बुलाऊ बांधे तेल कढ़ाई, जति हनुमान जी की दुहाई सत्य साचा पिंड काचा पूर्व मंत्री सर्वाचा सत्य नाम आदेश करूंगा। ये मंत्र है साधको, शावर मंत्र है और ये एक रात में सिद्ध हो जाता है। अब इसके बारे में और कुछ सुनिए साधको। ये मैंने अब जब मैं गांव में रहता था तब मैंने इस साधना को किया था, इस मंत्र को किया था, बहुत से मंत्र किए थे मैंने जो गांव में रहते, सांप के काटने का भी, बीच उतारने का, और भी मंत्र सिद्ध किए थे, उसमें ये भी मंत्र था सिद्ध किया था मैंने, और इसके द्वारा मैंने कढ़ाई को बांधा भी था। लेकिन मैं कढ़ाई को खोलना नहीं जानता हूँ, केवल बांधने का मंत्र है, ये खोलना नहीं आता है। और मैं यहाँ और भी बात बताता हूँ, मेरे यहाँ गाजियाबाद से पिछले सन 18 की बात है, कुछ लोग आए थे मेरे पास गाजियाबाद से और रोहतक से आए थे, तो केवल इसीलिए आए थे कि जो कढ़ाई बांधेगा तो वो जो है ऊपर से लौट के रह देंगे। और मैंने यहाँ मेरे सामने हलवाई की दुकान है, वहाँ हलवाई की कढ़ाई बांधी, लेकिन कढ़ाई बांधने के लिए पहले उनसे जो तेल था उसके पैसे प्लस कढ़ाई के पैसे हलवाई को जमा कराए, और कुछ अनुदान मेरा भी था उसमें, कि मैंने उनसे कह दिया था कि तुम्हारे वर्ष है तुम अपने सब ले जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो इतना चाहिए, तो उन लोगों ने मुझे इतना नहीं दिया, बेईमानी करने लग गए। लेकिन हाँ, एक संत राम ये तरह कुछ न कुछ देके गए, क्यों वहाँ बहुत बड़ी, ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ और बेईमानी करने वाले होते हैं,
मैं आपको बता दूं, मेरे साथ को इस तरह कड़ाई बांध रहे थे कभी नोटों की बारिश नहीं होती है, न कहीं से नोट गिरे न कहीं बारिश हो नोटों की, ये सब बेकार की बात है। एक बात और मैं बता दूं आपको, एक है 20 लाख उनका कछुआ है, उस पर नोटों की बारिश करने के लोग कहते हैं, ये सब बेकार के धंधे हैं। ये सब और वो लोग जो ठक होते हैं ना, उनको कहा जाता है, इस श्रेणी में रखा जाता है। एक बात और मैं बता दूं यहाँ कि कुछ लोग देखा है मैंने, जमीन में से धन उखाड़ने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और कुछ उनसे 10-20 हजार रुपए हट लेते हैं और वहां जाते हैं गड्ढा खोद के ड्रामा कर देते हैं कि जमीन में चला गया, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ये सब करते हैं, वो सब गलत है। अगर जमीन में धन होगा तो ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा, वहीं होगा यथास्थिति। वो क्यों? नंबर एक, मेटल कभी गायब नहीं होता है, मेटल कभी खिसकते नहीं है। अगर उस पर कोई पराशक्ति है तो साधक जो उसे उखाड़ रहा है उसे उससे पहले ही हटा देगा उसे। मैं जुलाई के महीने में सहारनपुर गया था, मेरा लाल को और ऋषि जी को मैंने भेजा था, मैं वहाँ हवन करा था मंगला मंदिर में बैठ के, उनकी थोड़ी सी गलती के पीछे वहाँ मथा, लेकिन थोड़ी सी गलती के पीछे वहाँ मेवालाल का अटैक हो गया कि जो वहाँ प्रीत आत्मा थी मेवालाल को पकड़ लिया उन्होंने, चूंकि मेवालाल की थोड़ी गलती थी। दरअसल होता क्या है कि लोगों से ये कहा, कुछ कहा जाए उस लोग उस बात को तो ये करते नहीं, खुद बाबा बन जाते हैं उस वैसी समय तो जाके, तो उसका नतीजा था वो। कोई बात नहीं है, चलो मेवालाल की जान बची उस पर। तो साधु को मेटल कभी बाहर नहीं जाते हैं, कभी इधर उधर नहीं खींच सकते। मैंने देखा है लोग कहते हैं कि यहाँ घुस गया, वहाँ घुस गया, नीचे चला गया, ऊपर चला गया, सब ये बेकार की बात है। मेरे साथ अभी एक साधक मेरे बुलंदशहर के मेरे पास आए थे उत्तरकाल विद्या के दौरान, उन्होंने पूछा था कि उनके घर में कुछ है, तो उन्होंने कहा हाँ है। तो उन्होंने फिर दूसरा प्रश्न किया, अगला प्रश्न किया, क्या मैं इसे उखाड़ सकता हूँ कि नहीं उखाड़ नहीं पाऊंगा। तब फिर उन्होंने ये कहा कि अगर गुरु जी को ले जाके, यानी मुझे ले जाके अगर उखाड़ा जाए तो मिल जाएगा मुझे, हाथ मिल जाएगा। तो मेरे साथ को ये चीज़ें अगर सत्य है तो सत्य है, और झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं। झूठ वाले लोग 25 तरह की परिचय करते हैं, 25 तरह के दावे करते हैं और 25 तरह के बहाने बना के वहाँ से निकलने लेते हैं, और जो तुम्हारे 10-20 हजार रुपये रिव्यू लेने थे वो तुम्हारे ठग में चले जाते हैं। इसीलिए मैं तुमसे कहूँगा कि कछुए पर नोट गिरने वाली बात इनको गलत है, और कढ़ाई पर कोई नोट बरसाता है वो भी बात गलत है। और अगर आपको किसी को सत्य लगती हो तो मैं मंत्र मैंने बता दिया है, और मैं अब इसकी साधना बताने जा रहा हूँ कि साधना कैसी करनी है। कि देखो साधको, ये साधना दिवाली की रात को करनी है आपको, और मात्र ये मंत्र जो है आपको 1008 बार जपना है कम से कम। अगर ज़्यादा जप लो तो कोई बात नहीं, 1008 बार ये मंत्र जाता हूँ 1.5 घंटे में जप जाता है, क्योंकि मैंने किया है इसे, 1.5 या 2 घंटे लगते हैं, 1000 यानी 10 बार आए कोई बात नहीं। अब करना कैसे है कि साधक सामने दीपक जलाए और पूरब की ओर मुंह करके बैठे, चौकी पर दीपक जलाए, पूरब की ओर मुंह करके बैठे, कोई भी आसन ले ले, काल आसन नीला आसन ना होना चाहिए, कोई भी आसन ले ले, रुद्राक्ष की माला हो और मंत्र, और इसे ग्रहण वाले दिन भी सिद्ध किया जा सकता है, जैसे सूर्य ग्रहण हो चंद्र ग्रहण वाले दिन भी सिद्ध किया जा सकता है, और इसे मावस्या और पूर्णमासी वाले दिन भी सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन ग्रहण वाले दिन और होली वाले दिन या दिवाली वाले दिन ये बहुत जल्दी सिद्ध होता है। वैसे मावस्या पूर्णमासी को करोगे तो थोड़ा टाइम ले जाएगा, हो सकता है ज़्यादा करना पड़े, लेकिन इन समय ग्रहण वाले दिन और होली दिवाली वाले दिन करोगे तो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, ये मंत्र एक रात में सिद्ध हो जाता है, मैंने किया है इसको। तो आप आगे अभिमंत्रित माला लीजिए, और अभिमंत्रित माला लेके एक माला ओम गम गणपति नमः गणेश जी करिए, और एक माला या 5 माला ओम गुरु गोरखनाथाय नमः ये करिए आप, और एक माला ओम नमः शिवाय की करिए आप, ठीक है। और भगवान शिव से और गोरखनाथ जी से इस मंत्र को सिद्ध होने के लिए विनती कीजिए, और ये इनसे करने के बाद फिर ये मंत्र को आप जो मैंने बताया है
दोबारा फिर मैं बता दूं, ओम नमो जल बांधु जल भाई बांधु बांधु कुआ कपाही, 900 गांव के वीर बुलाऊ बांधु के बांधे तेल कढ़ाई, जति हनुमान जी के दुहाई सत्य साचा पिंड का चा पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा सत्य नामादेश गुरु का। ये मंत्र है, इसको आप 1000 बार या इससे अधिक आप जप लीजिए, अब मंत्र सिद्ध हो गया आपका। अब जब आपको कढ़ाई बांधनी है तो आपको क्या करना है, किसी रास्ते से छोटी छोटी कंकड़ी लीजिए, छोटी छोटी कंकड़ी उठा लीजिए और मंत्र को 7 बार, ये कंकड़ी आपको 7 कंकड़ लेने और एक कंकड़ और 7 कंकड़ों पर 7 बार मंत्र, एक बार मंत्र का जपोगे फूक मारोगे, दूसरा जपोगे फूक मारो, यानी 7 बार मंत्र जप कर फूक मार कर कढ़ाई में डाल दीजिए जिसमें तेल हो, बस वो कढ़ाई बन गई। अब पूरी कचौड़ी कुछ भी सेके उसकी अग्नि स्तंभन हो जाएगी, ये तेल स्तंभन हो जाएगा उसका, और आप कुछ भी करते रहिए। यह है बड़ी सीधी सरल इसकी विधि है, साधु को मैंने डाल दिया है आपके लिए, और आप चाहे तो इसे कर सकते हो और चाहो तो ये नोटों की बरसात करवा सकते हो। आप देख लो अगर किसी के हो जाए तो नोटों की बरसात, लोग आते हैं कि बहुत बड़ा कारीगर है, तो बहुत बड़ा, लोग कारीगरों को डॉक्टर कहते हैं कि ये डॉक्टर आ रहा है या कारीगर आ रहा है या फलाना वकील साहब आ रहे हैं, इस तरह के नामों से बुलाते हैं इन्हें, और होता कुछ नहीं है, ये लोग अपना किराया भाड़ा ले लेते हैं, होता कुछ नहीं है। इसलिए मैंने जिज्ञासा बस सभी के लिए डाल दिया है, आप चाहो तो भैया कर सकते हो। और इसी के बाद मैं आपको बताऊंगा मैं कि अब तक तंत्र मंत्र में बहुत सी साधना डाल चुका हूं मैं, 100-150 वीडियो पड़े होंगे लगभग। इसके वीडियो के बाद में सभी तंत्र मंत्र की साधनाएं बंद हैं, कोई भी तंत्र मंत्र की साधना नहीं डाली जाएगी, क्योंकि बहुत हो गया, सब कुछ हो गया, सप्त की प्रवृत्ति होगी, राशि प्रवृत्ति की अनेक साधनाएं होगी और तामसी प्रवृत्ति की भी चर्चा साधनाएं होगी, बहुत कुछ हो गया। अब यहाँ वीडियो नहीं डाले जाएंगे, मेरी प्रीसा को केवल ईश्वर भजन ईश्वर भक्ति के वीडियो डाले जाएंगे, ईश्वर की बातें बताई जाएंगी, मुक्ति और मोक्ष की बातें बताई जाएंगी, क्योंकि यही मेरा रास्ता था। और इसी के साथ मैं आपको से विदा लेता हूँ। विदा लेने से पहले आपसे कहता हूँ, यदि मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मुझे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नए साधकों से बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।